हाय गाइस, दिस इज समीक्षा सिंह वॉचिंग माय चैनल फूड पैराडाइज। गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ पर्शियन डेजर्ट है जिसको महलबिया बोलते हैं और इसको रोज पुडिंग भी बोलते हैं क्योंकि इसमें रोज का फ्लेवर आता है। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हैं, मैं आपको इसके इन्ग्रीडियंट्स बताती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। रोज पुडिंग बनाने के लिए हमें चाहिए चीनी, आप पाउडर शुगर भी ले सकते हैं, दूध आधा किलो दूध है, और फ्रेश क्रीम, आप मलाई भी ले सकते हैं, और हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच है। तो सबसे पहले हम पैन लेंगे, उसमें डालेंगे दूध, इसको एक बॉईल आने तक इसको पकाएंगे, और तब तक हम इसमें जो हमने कॉर्नफ्लोर डालना है उसका हम बैटर बना लेते हैं, यानी कि स्लरी सी बना लेते हैं तब तक। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे ये कॉर्नफ्लोर, और इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसका हमने स्लरी बनाना, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे ताकि लम्ब्स ना बने। लम्ब्स बनेंगे तो फिर वो हमारा जो वो मलाई है जो हमने रेडी करनी है रबड़ी, वो अच्छी नहीं बनेगी। तो इसको अच्छे से हम पहले मिक्स करेंगे और दूध डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और दूध डाल देंगे अगर हमें ज़रूरत है तो, कि लम्ब्स नहीं बनने चाहिए। तब तक हम अपना दूध देख लेते हैं जो हमने बॉईल करने के लिए रखा था। ये भी हमारा एक बॉईल हो गया है, और इसमें हम डालेंगे शुगर, आप पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं, और चीनी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कम ज़्यादा जितनी आप खाते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे ताकि जो हमारी जो शुगर है वो मेल्ट हो जाए। अगर पाउडर शुगर है वो तो जल्दी हो जाती है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने स्लरी बनाई थी कॉर्नफ्लोर की, वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से ये थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो इसलिए हम इसको ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि लम्ब्स ना बने। वैसे तो हमने दूध में कर दिया था अच्छे से इसको मिक्स, बट फिर भी स्लोली डालेंगे। तो ये हमने ऐड कर दिया है, अब इसको थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहेंगे ताकि नीचे लग ना जाए, और इसको हमने थिक होने देना है। तो जब तक ये थिक होता है तो हमने इसका जो ऊपर लेयर बनानी है उसका भी हम मिक्सर रेडी कर लेंगे। इसको पकने देंगे थोड़ी देर। अब इसमें डालेंगे क्रीम, आप मलाई भी ऐड कर सकते हैं, इससे थोड़ी रिचनेस आती है। ये पर्शियन डेजर्ट है महलबिया, ये सुपर क्विक सुपर इजी है, मिडल इंस्टेंट डेजर्ट है जिसको दूध के साथ और रोज़ और ऑरेंज वाटर डाल के बनाया जाता है। तो हम इसमें अब डालेंगे कॉर्नफ्लोर, जो हमने सेकेंड लेयर बनानी है रोज़ वाली, रूह अफ़ज़ा, आप रोज़ वाला कोई भी सिरप ले सकते हैं, पानी, और ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं पिस्ता और एलमंड्स, ये हम इससे गार्निश करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉर्नफ्लोर लेंगे, 2 चम्मच हैं, टीस्पून है, तो इसमें हम पानी डाल के इसको थोड़ा सा थिक करेंगे। बहुत इजी बन जाती है ये रेसिपी, रोज़ पुडिंग पर्शियन बहुत फेमस डेजर्ट है वहाँ का, रोज़ वाटर ऑरेंज सिरप डाल के बनाते हैं। तो ये हमारी स्लरी रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम इसका अगला स्टेप करते हैं, जो सेकेंड लेयर हमने बनानी है रोज़ वाटर की, रोज़ सिरप की, वो बनाते हैं। तो अब हमें चाहिए पैन, उसमें हम डालेंगे ये हमने कॉर्नफ्लोर और पानी का मिक्सचर बनाया था, इसको हम डालेंगे और इसको थोड़ा हिलाएंगे अच्छे से और ताकि ये थिक हो जाए। जब ये थोड़ा सा थिक होने लगेगा, ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, तो इसमें हम ऐड करेंगे जो रूह अफ़ज़ा है सिरप, वो डालेंगे। आप इसमें रोज़ सिरप भी डाल सकते हैं कोई सा भी, ये देखिए। तो इसमें ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा सिरप जो आता है मार्केट में, इजीली अवेलेबल है। तो इसको अच्छे से हिलाएंगे, इसको थिक होने तक पकाएंगे, जब तक ये थिक ना हो जाए तब तक हम इसको हिलाते रहेंगे। पानी से थोड़ा सा ये कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी आ जाती है। तो ये देखिए, ऐसे बस हिलाते रहना ताकि लग ना जाए नीचे, और इसको थिक होने देना हमने। तो ये हमारा हो गया है थिक, ये देखिए, थोड़ा सा और कर लेंगे, जब ये कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा तब इसको बंद कर देंगे गैस को हम। ये हमारा रेडी हो गया, ये देखिए, हमें ऐसे ही चाहिए। तो हमारी जो पुडिंग है वो मैंने ठंडे करने के लिए रखी थी, तो उसको मैं आपको ऐसे ग्लासेस में डाल के बताऊंगी कैसे बनाना है। आप कोई से भी जार्स ले सकते हैं, मोल्स ले सकते हैं, या बाउल ले सकते हैं। तो मैंने छोटे ग्लासेस लिए हैं, इसमें मैं आपको डाल के दिखाऊंगी।
तो मैंने इसको ठंडे होने के लिए रखा था पहले। अब हम इसमें डाल के इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे, 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद जो हमने जो अभी सिरप बनाया था रोज़ वाला, वो ऐड करेंगे। उसको भी मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, क्योंकि वैसे तो वो थिक है ऑलरेडी, बट थोड़ा सा और ठंडा हो जाएगा और ये भी सेट हो जाएगा, फिर उसके ऊपर हम उसकी लेयरिंग करेंगे। तो मैंने इसमें डाल दिए। आप अपने अकॉर्डिंग बाउल में भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे भी आप सर्व करना चाहते हैं। तो मैंने इसमें कर दिए। अब हम इसको क्लिंग फॉइल होता है या एल्युमिनियम फॉइल जो होता है पेपर, उससे हम इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए मैंने इसमें कवर कर दिया है। इसको हम अब फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे और उसके बाद इसकी हम लेयरिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हमारा सेट हो गया है। अब मैं आपको इसकी लेयरिंग करके दिखा देती हूँ। जो हमने रोज़ सिरप बनाया था रूह अफ़ज़ा का, इसकी जो हम एक लेयर बनाएंगे ऊपर स्प्रेड कर देंगे, ताकि नीचे वाली जो हमारी क्रीम वाली लेयर है, मलाई वाली, वो नज़र ना आए पुडिंग। तो इसको आप गार्निश कर लेंगे बादाम पे स्टैचू, और आप इस पे एक रोज़ पेटल भी रख सकते हैं। आप इसी तरह सारे रेडी कर लीजिए। तो मैंने ये सारे रेडी कर दिए। बहुत इजी, सुपर क्विक डेजर्ट है महलिबिया, पर्शियन डेजर्ट है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी। इसको रोज़ पुडिंग भी बोलते हैं और बहुत यमी बनता है और बहुत इजी बन जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये मेरी रोज़ पुडिंग या महलिबिया की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही में बेल आइकन का बटन है वो ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप देख लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली बार नई रेसिपी के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल फूड पैराडाइज। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।